नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। खबर है यूपी से सोनभद्र की। परिजन द्वारा लगाए गए 50,000 के लगे आरोपों में कितना झूठ कितना सच्चाई, जनपद सोनभद्र पिपरी थाना क्षेत्र मुरली गढ़ी में बीते 7 अगस्त 2020 को एक अलीशा नाम लड़की की मृत्यु हो जाने के बाद पूरे सोनभद्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है उस लड़की की मृत्यु फांसी लगाकर हुई है, तो वहीं उनके परिजनों का कहना है कि उसकी मृत्यु बीमारी से हुई है, जिसको लेकर मानवाधिकार प्रदेश अध्यक्ष ऋषि झा ने ट्विटर के माध्यम से यूपी के लगभग सभी अधिकारियों को अवगत कराकर निष्पक्ष जांच की मांग की। तभी बीते 21 अगस्त 2020 को अलीशा के घर वालों ने ऋषि झा के ऊपर यह आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुख्यमंत्री व एसपी सोनभद्र सहित अन्य अधिकारियों को पत्र के माध्यम से शिकायत की कि यह लोग हमारी इज्जत को उछाल रहे हैं और हमारे छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। साथ में यह भी आरोप लगाया है कि ऋषि झा व एक पत्रकार ने मृत अलीशा के परिजन से खबर न निकालने की 50,000 मांग रहे हैं। इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पहले अलीशा के परिवार अख्तर अली व उनके मामा से, उनके बाद ऋषि झा को सुनते हैं। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज रेणुकूट सोनभद्र से शिव नरेश झा की रिपोर्ट। मोहम्मद रवि, आप कह रहे थे कि आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है, किस तरह से डिमांड की जा रही थी और कब की जा रही थी? पहले तो उन्होंने मुझे चाचा से कहा कि आप दे दीजिए, आप जो है 50,000 रुपए डिमांड उन्होंने चाचा से मेरे की। जब उनसे बात नहीं बनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं आपकी चाचा छवि खराब करूंगा, आप मुझे 50,000 की दिए। बाकी और लेने देने वाले थे ऋषि झा और दीपक वर्मा, उन्होंने कहा मेरे साथ कुछ लोग और हैं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। आपसे मिले थे? हाँ, एकदम मिले थे। किस जगह पे? अरे दिल्ली जगह क्या है, वो जगह हमारे घर पास आए थे। अरे घर पे आए थे? हाँ। कब, शाम की, सुबह, किस टाइम? ये टाइम करीब हो रहा था मेरे ख्याल से 8:30 के 8:30-9 के बीच में। तारीख कुछ बता सकते हैं आसपास? तारीख कितने दिन की बात है ये? अरे भैया ये हमारे ख्याल से बात ये जो है हमारे हादसा घर होने के करीब 3-4 दिन बात है ये। अच्छा, 3-4 दिन बाद आपसे रिमांड कर रहे थे ये? जब इन्होंने डालना चालू किया तो पहले चाचा से बात हुई, फिर उसके बाद हमसे बात करने। अच्छा, पहले आपके चाचा ये अख्तर अली जी से बात हुई? चाचा अख्तर अली की बात इनसे हुई, फिर उसके बाद हमसे बात करने गया। ठीक। नमस्कार, मैं शिव नरेश, आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज और आज मैं मौजूद हूँ सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 4 मुरली गढ़ी में। मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले एक अलीशा नाम की लड़की की मृत्यु हो गई थी, जो कुछ लोगों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा बताया जा रहा था कि उनकी मृत्यु फांसी से हुई, लेकिन उनके परिजनों ने, घर के परिजनों ने बताया कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, बीमारी से हुई है। उसी संबंध में मैं जानूंगा उनके करीबी रिश्तेदार, उन्हीं से मैं जानूंगा क्या लगता है। मैं कुछ सवाल जवाब करूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम अख्तर अली है, 4 का सभासद हूँ। सर उस दिन जो मृत्यु हुई थी, क्या वो वाकई में स्वाभाविक मृत्यु हुई थी या फांसी लगा, ऐसा कुछ झुका जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने घर पे हनुमान मंदिर पे था, उस समय मेरे पास फोन गया कि ऐसा ऐसा हो गया, अलीशा की स्पार कर गई। फिर मैं आया तो पता लगाया तो तबीयत खराब था उसका। फिर मैं पूछा कि जो दवा, तो बोली कि बाजार से दवा मंगा के खिला रहे थे, स्वाभाविक मृत्यु हुई है, बीमार थी वो। और उसमें एक ऑडियो वायरल हुआ है, कुछ लोगों का कहना था कि मैं उतारी हूँ और वहाँ बक्सा रखा हुआ था, उस पर लटकी हुई थी, ऐसा एक ऑडियो वायरल हुआ, उस पर क्या कहेंगे? ऑडियो जिसने ऑडियो किया वो अपना वायरल करे, अपना वो साक्ष्य प्रस्तुत करे, अपना जो करवाना करवाए, लेकिन मृत्यु स्वाभाविक हुई है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। ये मामला कई तारीख का था? 7 तारीख को, 7-8-2020। और उसके संबंध में आप एक एप्लीकेशन मुख्यमंत्री योगी जी को और सोनभद्र एसपी को आपने लिखित में दिया हुआ है कि आरोप लगाए हुए कि मुझे 50,000 रुपए की डिमांड की जा रही है, वो कैसी डिमांड? देखिए, पहले उसी दिन 7 तारीख को जब घटना हुआ तो हमारे सब पूरा मतलब घर में सब रोना पीटना चालू हो गया। बड़े भाई का हार्ट का पेशेंट है, जो हमसे बड़े हैं, उनको एडमिट कराया गया तुरंत राजू रंजन के यहाँ। फिर उसके बाद उसके भतीजे की कराई गई। इसके दूसरे तीसरे दिन बाद दीपक वर्मा और ऋषि झा आए 50,000 रुपए की डिमांड के लिए, बोले 50,000 रुपए दीजिए तो हम करेंगे, नहीं तो हम आपका कीचड़ उछालेंगे। मैं 25 साल से सभासद हूँ, मेरी राजनीतिक दुश्मनी के कारण ये किया जा रहा है। ऋषि झा की गाड़ी लड़ गई थी एक बार, मैं पंचायत में गया था, उससे खुन्नस होके ये 7,000 उससे भी लिया, 50,000 मुझसे डिमांड कर रहे हैं, 50,000 मुझसे लेने के फिराक में है, और कोई मतलब नहीं। कब की बात है जो आप डिमांड वो कर रहे थे, आपके घर आए थे आप फोन पे? नहीं, आए थे भाई, मिले थे, मिल के किए थे दीपक वर्मा और ऋषि झा, दोनों साथ मिल के? हाँ, दोनों साथ में हमारे वहाँ आए थे भाई। दीपक वर्मा भी आया था उसी दिन, बोल रहा था 50,000 रुपया दीजिए, रुक गया था, रुक के बात करके गया है। अच्छा, अगर ऐसे कुछ है, अगर इस पे आप वो लोग कह रहे हैं, मैं निष्पक्ष जांच मांग कर रहा हूँ, जैसे कि ये मृत्यु फांसी से हुई या
बीमारी हुई, अगर आपको क्या लगता है आप कॉपरेट करेंगे अगर ऐसी कुछ वो लोग मांग करते हैं तो? मुझे जांच की आवश्यकता नहीं है, जिसको जांच की आवश्यकता है वो लिखित दे अपना प्रस्तुत करे, जो भी उसके पास साक्ष्य है वो प्रस्तुत करे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। आज मेरे साथ मौजूद है मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि झा, मैं इनसे जानूंगा कि जो पिपरी में आलिशान प्रकरण हुआ था वो तो पूरा मामला क्या था और इनके ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं, मैं उसके बारे में जानूंगा। सर आप बताइए कि वो जो पूरा प्रकरण था अपने पैसे उसने उठाया क्यों? 7 अगस्त को आलिशा की मृत्यु होती है लगभग 3 बजे और कुछ देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज चलता है कुछ पत्रकारों का कि पिपरी मुरलीगढ़ी में एक बच्चे की मृत्यु होती है फांसी लगाने से, तो मेरे को भी मैसेज मिलता है और कुछ लोगों द्वारा पता चलता है और एक दो दिन बाद नगर में चर्चा का विषय भी बनता है। इस पर मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा किया तो पता चला आलिशा की मृत्यु फांसी से हुई थी और इस बीच अख्तर अली जी का एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि आलिशा की मृत्यु बीमारी से हुई थी और पुलिस प्रशासन को सूचना दे दिया गया कि कोरोना वोरोना नहीं है, 3-4-5 दिन से बच्ची की तबीयत खराब चल रही थी। जब मैंने जानकारी इकट्ठा किया आसपास के लोगों से तो मुझे जानकारी हुआ कि लड़की की मृत्यु फांसी से हुई थी, अगल बगल के पड़ोसियों द्वारा पता चला कि उन्होंने ही दुपट्टे से उस बच्ची को उतारा था जो जिससे फांसी लगाई। और कुछ जानना? इसका आपके पास पूरा पुख्ता सबूत है कि उन्होंने फांसी ही लगाया था? हमारे पास कुछ एविडेंस है, उसके आधार पर मैं उसको जांच की मांग किया हूँ पुलिस अधीक्षक सोनभद्र सर से और प्रशासनिक उच्च अधिकारियों को ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया। इसके बाद लगभग आज 20 दिन होने को है आलिशा प्रकार, अब 21 तारीख को मेरे पास एक पत्र है जो अख्तर अली या उनके परिवार द्वारा मुख्यमंत्री और सोनभद्र SP को लिखित पत्र दिया गया है आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने 50,000 उनसे डिमांड की, कितनी सच्चाई है? ये जो आरोप लगा गया है ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ और मैं अभी तक इनके परिवार आलिशा के परिवार वालों से अभी तक नहीं मिला हूँ। अख्तर अली जी से हमारी मुलाकात 14 अगस्त 2020 को शाम को 7 बजे लगभग हुआ था, वो भी GK मदान जी के इंस्टीट्यूट पर। वहाँ पर मौजूद बड़े भैया किंजल बाबू जी थे, दिलीप पांडे जी थे, GK मदान जी थे, अख्तर अली जी थे, अफ्ताब सभासद जी थे, एक भाई और थे और मैं था। वहाँ पे मेरे ऊपर अख्तर अली जी द्वारा दबाव बनाया जाता है कि आप इसको खबर न चलाएं और हमारा नाम बार बार न लें ताकि हमारी छवि धूमिल न हो, तो हमारे द्वारा बताया गया कि खबर तो कंटिन्यू चलेगा जब तक इस पर स्पष्ट जांच न हो और मैंने पुलिस अधीक्षक सर से स्पष्ट जांच की मांग किया और लगातार पिपरी प्रशासन और CO साहब को मैं इस मामले को अवगत कराता रहा। अभी तक कहाँ जांच पहुंची कि आपने जानने को सकी? मैं जब पिपरी CO साहब से बात किया तो उन्होंने बताया कि इस पर जांच चल रही है, आज हमें CO ऑफिस से फोन आता है और इस मामले पे मेरे से जानकारी लिया जाता है, तो मैं जो भी मेरे पास जानकारी था मैं उनको नोट करा दिया। आलिशा के एक मामा हैं जो हमें बताए हैं कि आप उनके घर जाके आप और एक पत्रकार और उनसे 50,000 की डिमांड करें, तो बोले मेरे घर जाके, क्या ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं, हम अभी तक उनके घर एक बार भी नहीं गए हैं और न ही उनके परिवार वालों से मिले हैं, मैं सिर्फ अभी तक अख्तर अली जी से 14 तारीख को मुलाकात किया।